नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है माँ शारदा देवी की जीवनी। माँ शारदा देवी श्री रामकृष्ण की पत्नी थी। शारदा देवी एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व थी। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद रामकृष्ण आंदोलन का नेतृत्व करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शारदा देवी का जन्म पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट एक छोटे से गाँव जयराम वाटी कमारपुकुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 22 दिसंबर 1853 को हुआ था। उनके पिता रामचंद्र मुखोपाध्याय एक पवित्र और दयालु व्यक्ति थे और उनकी माँ श्यामा सुंदरी देवी सुहृदय और कड़ी मेहनत से काम करने वाली महिला थी। 5 वर्ष की आयु में उस समय की परंपरा के अनुसार उनका विवाह श्री रामकृष्ण से हुआ था। श्री रामकृष्ण का समय साधना की गहनता में व्यतीत हो रहा था। वह सदैव स्वयं को साधना में संलग्न रखते थे। इस प्रकार उनके परिवार के सदस्यों ने विचार किया कि शादी के माध्यम से उनके मन को सांसारिक दायरे में वापस लाने में सहायता मिलेगी। परंतु रामकृष्ण विवाह के प्रस्ताव पर देवी माँ की सहमति मानकर सहमत हुए। शारदा देवी ने अपने पति के पागलपन के बारे में अफवाहें सुन रखी थी। 18 साल की उम्र तक उनके पति के साथ रहने के लिए जाना नहीं था, परंतु 18 वर्ष बाद कर्तव्य की भावना महसूस कर कलकत्ता जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार दक्षिणेश्वर में वह श्री रामकृष्ण से मिली। रामकृष्ण से मिलने के पश्चात उनके बारे में प्रचारित अफवाहें झूठी निराधार साबित हुई। मिलने पर ज्ञात हुआ कि उनके पति दयालु ही नहीं एक वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनसे मिलने के पश्चात वह भी आध्यात्मिक अनुभवों को ग्रहण करने लगी। 1872 में शारदा देवी एक समर्पित पत्नी और पति श्री रामकृष्ण के पहले शिष्य के रूप में दक्षिणेश्वर में रहने लगी। शारदा देवी के लिए यह समय उनके पति श्री रामकृष्ण के साथ गहन साधना और सेवा का काल था। श्री रामकृष्ण ने देवी माँ की पूजा के अवसर पर देवी माँ के स्थान पर बैठने के लिए शारदा देवी से पूछा और शारदा माँ की सहमति पर श्री रामकृष्ण ने षोडशी पद्धति से शारदा देवी को देवी माँ मानकर पूजा संपूर्ण की। इस आध्यात्मिक भक्ति के साथ ही शारदा देवी और श्री रामकृष्ण देवी माँ की चेतना में लीन हो गए, जिससे उन्हें एक बहुत उच्च आध्यात्मिक चेतना प्राप्त हुई। श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी को सिखाया कि किस प्रकार सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। माँ शारदा देवी ने शुद्ध जीवन का नेतृत्व किया और आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए समर्पित पत्नी और शिष्य के रूप में श्री कृष्ण सेवा की। 1886 ईस्वी में श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद भी शारदा देवी ने हिंदू परंपरा के विपरीत लाल किनारी की साड़ी और गहने पहनना जारी रखा। श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद शारदा देवी श्री कृष्ण के जीवन के साथ जुड़े वृंदावन के लिए एक तीर्थ यात्रा पर गई। माँ शारदा देवी ने शिष्यों की दीक्षा की मांग को ध्यान में रखते हुए शिष्यों को दीक्षा देना प्रारंभ किया, जिससे शिष्यों की संख्या में वृद्धि हुई, साथ ही मठ का प्रचार प्रसार हुआ। माँ शारदा देवी श्री रामकृष्ण की भांति शिष्यों के चयन में कठोरता नहीं बरतती थी। जो उनके मातृत्व हृदय से आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करने आया, किसी को भी अस्वीकार नहीं किया। 1893 में अमेरिका के लिए अपनी महत्वपूर्ण यात्रा करने से पहले स्वामी विवेकानंद ने शारदा माँ से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया। स्वामी विवेकानंद की पश्चिमी महिला शिष्याओं का एक दल कोलकाता के लिए आया था। माँ ने उन दिनों के रूढ़िवादी समाज के प्रतिबंध की अनदेखी कर अपनी बेटियों के रूप में खुले हाथों से उन्हें स्वीकार कर लिया। माँ शारदा देवी ने पूरे दिल से भारत का कायाकल्प
और आम जनता और महिलाओं के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद की योजनाओं में उनका समर्थन किया। माँ शारदा देवी हृदय से सिस्टर निवेदिता द्वारा प्रारंभ किए गए लड़कियों के लिए स्कूल के साथ जुड़ी थी। श्री रामकृष्ण के बाद उन्होंने अपना जीवन आंशिक रूप से कोलकाता और पैतृक गांव जयराम वाटी व्यतीत किया। लगातार शारीरिक श्रम और आत्मोत्सर्ग और मलेरिया के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 21 जुलाई 1920 को उन्होंने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना माँ शारदा के जीवन के बारे में। आपको ये जीवनी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। आप और किन व्यक्तियों की जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।